हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा टॉपिक है रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस, दे आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। दैट मींस हमारे रिजर्व्स और जो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस पड़े हुए हैं हमारी कंपनी में, हमारे अकाउंट्स में, लेकिन उन्हें अब हमें हमारे कैपिटल अकाउंट्स में, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फिर क्या करेंगे, आज वो सीखेंगे। ओके, सो आई हैव ब्रॉट एन एग्जाम्पल जहां पे ए और बी दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। ठीक है, अनदर पार्टनर सी कम्स इन एंड फिर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है 5:3:2। ओके, तो ऑल्सो इट इज गिवन दैट जनरल रिजर्व इज ₹35,000। तो अब बताओ क्या करेंगे, सिंस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशनड है कि ये जो जनरल रिजर्व हैज टू बी नॉट ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन व्हाट यू विल डू। सो अब क्या करते हैं हम लोग, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन दिया होता कि ए और बी पार्टनर्स हैं शेयरिंग इन दिस रेशियो, देन सी एंटर्स, देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स दिस एंड द जनरल रिजर्व इज दिस, पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो सिंपल सी बात है, आप लोग क्या करते, जनरल रिजर्व को डेबिट कर देते और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते इन देयर ओल्ड रेशियो। जिसे ये चीज नहीं आती है, प्लीज गो एंड चेक माय वीडियोस। मैंने उसमें जरूर एक वीडियो बनाई है जहां पे मैंने जनरल रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाया था अमंग दी पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। सो डू चेक दैट इफ यू डोंट नो दिस। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर एडिशनल चीज दे दी है कि ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है, जनरल रिजर्व ये है, एंड नाउ दे डू नॉट हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस जनरल रिजर्व अमंग themselves। अगर ये लिख दिया जाता है तो आप क्या जर्नल एंट्री करोगे, दिस इज आवर टॉपिक। ओके, तो एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट एंट्री में कैसे करते हैं, ए का ओल्ड रेशियो देखो 4:7 आया, बी का ओल्ड रेशियो 3:7 आया, ए का न्यू रेशियो 5:10, बी का न्यू रेशियो 3:10। अब आप लोग ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे, सो इसको हैव शोन दिस, सो 4:7 माइनस 5:10 करोगे 5:70 आया, ओल्ड में से 3:7 माइनस 3:10 करोगे 9:70 आया। क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, आपको याद होगा अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है ओल्ड माइनस न्यू करके तो वो सैक्रिफाइसिंग माना जाता है, और अगर ओल्ड माइनस न्यू करके आगे माइनस लगा दिया जाता, मतलब माइनस आता अगर आगे, तो समझ जाते कि वो गेन है। अगर आपको ये चीज भी नहीं पता, प्लीज गो एंड चेक माय वीडियोस। मैंने स्पेसिफिकली चेंज इन रेशियो में सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग को कैसे निकालते हैं वो भी सिखाया है। आई थिंक द फर्स्ट और द सेकेंड वीडियो ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑल अबाउट दैट। ओके, तो ये चीज तो बहुत ही बेसिक है। अब आपको ये देखना है कि सैक्रिफाइसिंग आ गया, गेनिंग आ गया, अब एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं इस सिचुएशन में। नाउ व्हाट इज एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री इज गेनर अकाउंट डेबिट टू दी सैक्रिफाइसिंग अकाउंट्स। तो जो भी गेन करता है उसको डेबिट करते हैं और जो सैक्रिफाइजर्स हैं उनको क्रेडिट करते हैं। तो यहां पे देखो सी का अकाउंट डेबिट करेंगे बिकॉज इट इज गेनर, एंड बाकी ए और बी क्योंकि सैक्रिफाइजर हैं तो उनके अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। 35,000 वैल्यू थी जनरल रिजर्व की, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे करेंगे, सी के कैपिटल अकाउंट में आएगा 14/70 इंटू 35,000 विच इज 7,000। ए के अकाउंट के आगे आप 5/70 इंटू 35,000 करोगे और बी के अकाउंट में 9/70 इंटू 35,000 करोगे। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है, दिस इज एन एडजस्टमेंट एंट्री। नाउ आपके सामने एक क्वेश्चन है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाऊंगी एंड क्रॉस चेक योर सॉल्यूशन। फाइन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:4।
सो ए इज टू बी इज टू सी है, टू इज टू थ्री इज टू फोर में शेयर कर रहे हैं. दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2. सो दिस इज देयर ओल्ड, न्यू रेशियो कितनी है 4:3:2. ओके. दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज. यहां पे दिया है विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज का मतलब है ये जो जनरल रिजर्व आया है, जो प्रॉफिट एंड लॉस आया है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आया है, वो एज इट इज रहेगा बैलेंस शीट में, उसको आपने नहीं हटाना. तो नहीं हटाना मतलब कि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पार्टनर्स में. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. ओके. तो यहां पे मतलब है यू हैव टू पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री. तो अब देखो जनरल रिजर्व है 40,000 का. अब क्योंकि यहाँ पे आप अलग अलग नहीं करोगे, एक एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो आप लोग पहले एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करोगे जहां पे सबसे पहले यू राइट जनरल रिजर्व 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस. अगर डेबिट आगे नहीं लिखा है तो इट इज वेरी मच अंडरस्टूड कि प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है 20,000. अगर क्रेडिट बैलेंस है, ये सारा क्रेडिट ही चल रहा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको आप ऐड करो 60,000, राइट. अगला है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज अ डेबिट बैलेंस, यू रिमेंबर दिस थिंग. क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है तो हम यहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. सो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट है तो माइनस करेंगे, कितना वैल्यू है 15,000. ओके. तो यहां पे आ जाएगा नेट इफेक्ट. तो नेट इफेक्ट 45,000 है. अब इस 45,000 की एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे. कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज है ए बी सी, ओल्ड और न्यू करके सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे. सो लेट्स डू दैट नाउ. फाइन. सो ए इज 2/7, 9, बी इज 3/9 एंड सी इज 4/9. ये ओल्ड रेशियो है. न्यू रेशियो देखो 4/7 एंड अगेन 9. ओके. नाउ कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग एंड द गेनिंग रेशियो. कैसे करते हैं? ए का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 2/9 - 4/9 -2/9. बी का 3/9 - 3/9 विच इज 0. सी का 4/9 - 2/9 विच इज 2/9. अब मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, अगर आगे माइनस आता है दैट मीन्स गेन किया है, और ये तो निल है, इसने ना गेन किया है ना सैक्रिफाइस किया है, और इसने सैक्रिफाइस किया है बिकॉज ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई है. पहले 4/9 थी इसकी, अब न्यू 2/9 हो गई है, तो उसने 2/9 सैक्रिफाइस किया सिंपल वर्ड्स में. अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर अकाउंट. सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. बी कहीं नहीं आएगा क्योंकि उसने ना गेन किया ना सैक्रिफाइस किया. कितना हमारा कितना नेट इफेक्ट आया था 45,000. अब आप करो 2/9 ऑफ 45,000 विच इज 10,000. सो दिस इज देयर एडजस्टमेंट एंट्री, वन सिंगल एंट्री विच यू हैव टू पास. तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है, तो किस फॉर्म में हमें आंसर देना होता है. सो इफ यू लाइक माई वीडियो यू कैन क्लिक द लाइक बटन, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड वील कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जहां पे हम रीवैल्यूएशन को डिस्कस करने वाले हैं. सो टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय.